वहीं टोंक के देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि विद्यालय के करीब 2 दर्जन छात्राओं को फूड पॉइजनिंग के चलते सादत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां छात्राओं का इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक चराई के देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय में रहने वाली छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते छात्राओं को उल्टी दस्त और सीने में दर्द की शिकायत होने लगी। इस पर टोंक से मेडिकल टीम छात्रावास पहुंची, जहां से 2 दर्जन छात्राओं को अस्पताल लाया गया। इधर जिला कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। कल रात को स्पेशल डाइट थी चूमाबाटी की, उसके अंदर पता नहीं क्या हुआ, रात को खाना खाने के बाद लड़कियां है ना, कहीं को तो उल्टियां हो गई, कहीं को दस्त और कहीं को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, बहुत सारी बीमारियां हो रही थी लड़कियों को। फिर उसके बाद मतलब सुबह स्कूल ओपन होते ही स्कूल में आ गए थे, तो हमारे स्टाफ मैडम ने सीएल ले रखी है महीने भर की, और हमारे स्टाफ ने भी डॉक्टर्स को बुलाया, साथ से डॉक्टर की टीम गई और चेकअप भी किया, और फिर डॉक्टर्स ने जो लड़कियां मतलब ज़्यादा हो रही थी उनको यहाँ रेफर किया था। हमारे खाने में पहले लटे भी आती थी, और शाम को जब दाल बाटी हुआ बना तो शाम को ही लड़कियाँ उल्टियाँ करने लगी, माइक ऊपर करो, दौलत माइक ऊपर करो, सिर दर्द होने लगा, और फिर जब शाम तक उनकी तबीयत खराब थी, फिर सुबह जब स्टाफ आया तो हमारे यहाँ पे एग्जाम थे, हम पेपर देने गए थे, तो वहाँ पे कई लड़कियाँ